पर दिख रहा है। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। शिवपुरी में बाढ़ का कोहराम, गांवों में सैलाब से हाहाकार, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर, ऐसी बाढ़ शिवपुरी ने कभी नहीं देखी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी बाढ़ और बारिश में पानी पानी है। शिवपुरी के कोलारस में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियां डूब गई हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां गड्ढा है और कहां पर सड़क। पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ का पानी यहाँ कोहराम मचा रहा है। शिवपुरी के लोग बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। पहले कभी, मतलब मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए, 15 साल से कभी इतनी बारिश नहीं हुई। ये पीछे पूरे टोटल मकानों में पानी भरा हुआ है। ये मकान था सामने, ये सब पूरा डूबा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद शिवपुरी के आसपास के 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। इससे प्रभावित हुए हैं, पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटों से जारी भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम कोलारस में इस वक्त मौजूद हैं और ये शिवपुरी का कोलारस गांव जो पड़ता है, इसमें आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है निचली बस्तियों में। लोग अब यहां से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर हाहाकार मचा है पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में। इस वक्त भारी बारिश के बाद 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों में हो गई है शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में, और कोलारस का ये निचला इलाका पूरी तरीके से पानी की जद में आ चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था और उसके बीच भीषण बारिश जो है उसने पूरी तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। शिवपुरी के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। शिवपुरी के पोहरी तहसील में पार्वती नदी के सैलाब में ग्रामीण टापू पर फंसे हुए तमाम लोग छतों पर हैं और बाढ़ ग्रस्त इलाके से बाहर आने की दुआएं कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, हमारे लोग हैं। जमीनी रूप से जो भी किया जा सकता है वो रात को भी रेजिडेंटल सजगता रखी जाएगी कि किसी कोई व्यक्ति इस प्रकार जिसके जो लोग गांव में निचले इलाके में थे उन्हें शिफ्ट कर लिया गया। एनडीआरएफ की एक बस शिवपुरी से नरवर जाते हुए पलटते पलटते बची। बस के एक तरफ के पहिए सड़क से उतर गए लेकिन बस एक बड़े पत्थर से अटक गई। बाद में इस बस को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की गई। बड़ी मशक्कत के बाद बस यहां से निकल पाई। बारिश का कहर शिवपुरी शहर में भी बरपा है। यहाँ की कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया है। शंकर कॉलोनी में तो हालात ये है कि लोगों के घरों तक 4 से 5 फुट पानी घुस गया है। कॉलोनी